सो ये हमारे उदित भैया। चले भैया मारो किक। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं धीरज सागर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों बाद एक नया व्लॉग आया है और मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया। ये देखो मैं पबजी प्लेयर्स दिखाता हूं पहले आपको। सो गाइस, आज का व्लॉग मेरे गांव का है। मेरे गांव में एयरपोर्ट है, मतलब हवाई पट्टी है, और वहाँ पर कुछ एरोप्लेन्स है। शायद आपने इंट्रो तो देख ही लिया होगा। तो आज का व्लॉग इसी पर है, व्लॉग में बने रहे। सो गाइस, फाइनली मैं और उदित हम लोग इस जगह पर आ चुके हैं। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हो तो खरगोन से करीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह बनी हुई है। इसको हवाई पट्टी कहते हैं, और पहले ये यहाँ पर शायद पायलट ट्रेनिंग होती थी। अभी हाल फिलहाल में सब कुछ बंद हो चुका है, सब कुछ कचरा हो चुका है। मैं दिखाता हूँ उदित ही क्या कर रहा है अभी अंदर बैठे बैठे। क्यों, क्या हो रहा है? अच्छा, उदित भी पायलट ट्रेनिंग की ओर, हमारा पायलट उदित देख रहा हूँ। इतने मतलब तीन तो मेरे को भारी दिख रहे हैं, एक उस साइड रखा हुआ है, एक इस साइड रखा है और एक इस साइड रखा है। अब आगे देखते हैं अंदर क्या क्या चीजें हैं। बेचारे, इस वाले प्लेन की हालत तो बहुत बदतर हो चुकी है। जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो या आसमान से कुछ गिरा हो, सब हालत ऐसी हो गई है। बहुत ज्यादा लगता है। सो ये हमारे उदित भैया। अब हमारे उदित भैया गिरेंगे यहाँ से। सो गाइस, फाइनली अब हम लोगों ने यहाँ पर पूरी लोकेशन घूम ली है। काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अगर आप यहाँ पर फोटोशूट या वीडियो से रिलेटेड कुछ कंटेंट बनाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। परमिशन वगैरह का भी कोई इतना इशू नहीं है। और अब दिवाली भी आ गई है, तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दिवाली में घर की साफ़ सफाई के साथ साथ अपना दिल भी साफ़ करते चलिए। फिर मुलाकात करूँगा एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय।